अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शेख, बहुत से लड़के और लड़कियां ऐसे हैं जिनका निकाह नहीं होता, तो क्या अल्लाह ने सबका जोड़ा फिक्स किया है? क्या सबका जोड़ा जो अल्लाह ने तय करके रखा है पहले से उनसे ही निकाह होगा? इंसान इस मामले में फिक्र ना भी करे तो जिससे अल्लाह ने तय किया है उससे शादी हो जाएगी, इस बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये हमारे एक भाई साहब हैं जिनका कहना है कि बहुत से लड़के लड़कियां जिनकी शादी नहीं होती है, रिश्ते के लिए वो परेशान हैं, तो क्या इनको बेफिक्र हो जाना चाहिए ये मानकर कि अल्लाह ताला ने हर शख्स का जोड़ा तय करके रखा है, यानी जिसकी शादी जिसके साथ तो होनी है पहले से अल्लाह के यहाँ फैसला हो चुका है और उसकी शादी देर सवेरे उसी के साथ होगी, इसलिए आदमी को बेफिक्र हो जाना चाहिए। तो क्या ये दुरुस्त है? तो देखिए, ये बात जो बहुत सारे लोगों में मशहूर है कि जोड़े आसमान से बन के आते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन रिश्ता तय करता है, जो जोड़ी होती है वो अल्लाह बनाता है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ना कुरान में ऐसी कोई बात है, ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ऐसी कोई बात है कि जोड़े अल्लाह ताला बनाता है, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, एक चीज़ है तकदीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज़ लिख के रखी है, लेकिन लिख के रखने का ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला ने मजबूर किया है कि उसी के मुताबिक सबको करना है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये इल्म था कि आगे चलकर मेरा ये बंदा क्या करने वाला है, तो अल्लाह ने अपनी मालूमात लिखा, अल्लाह ने अपना इल्म लिखा है। अल्लाह ने इसलिए कोई चीज़ नहीं लिखी है कि बस ऐसे ही करवाना है, बल्कि अल्लाह को मालूम था ये ऐसे करेगा, तो बंदा अपने इख्तियार से कर रहा है, अपने इरादे से कर रहा है, वो अपनी मर्जी से कर रहा है, लेकिन अल्लाह को इल्म था, क्योंकि अल्लाह को मकान का इल्म है, पहले जो हुआ उसका भी इल्म है, जो हो रहा उसका भी इल्म है, और फ्यूचर में आगे क्या होगा ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है, मुस्तकबिल में क्या होने वाला है अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह का इल्म खता नहीं कर सकता। तो अल्लाह ने अपना वो इल्म जो कल क्या होने वाला है वो लिख दिया, जिसको हम तकदीर कहते हैं। ये एक अलग चीज़ है, लेकिन ये जो मशहूर है कि अल्लाह ताला जोड़े बना देता है और ऐसे ही अल्लाह के बनाए हुए, अल्लाह के किए हुए फैसले के मुताबिक ही शादी होगी, तो ये गलत है। अल्लाह ताला ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया, ये फैसले हम करते हैं, ये फैसले हम खुद करते हैं कि किसे शादी करना है किसे शादी नहीं करना है। इसलिए आप देखें कि कभी कभी हमारे फैसले कितने गलत होते हैं कि शादी के बाद वो रिश्ता तोड़ना पड़ता है, मामला तलाक तक पहुँचता है या मामला खुला तक पहुँचता है और रिश्ता टूट जाता है, कभी कुछ मरहला गुजार के टूट जाता है, कभी एक लंबा मरहला गुजरता है और रिश्ता टूट जाता है। इसलिए ये कहना कि अल्लाह ताला ने जोड़े बना दिए हैं ये बिल्कुल गलत बात है। देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये भी कहा है कि दुनिया वाले ये चीज़ें देख कर शादी करते हैं, तुनकहुल मरअतुल अरबईन, चार चीज़ें देख कर लोग शादी करते हैं, उसमें माल है, जमाल खूबसूरती है, और इसी तरह से हसब व नसब है और दीनदारी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदारी की बुनियाद पर शादी करो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये गाइडलाइन दी है कि रिश्ता चुनते हुए हमें किस तरह के साथी मुंतखब करना चाहिए, तो ये हदीस बताती है कि रिश्ता आसमान से तय नहीं है, वरना क्या ज़रूरत थी ये बताने की कि किस से रिश्ता करना है और किस से रिश्ता नहीं करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मशवरे आते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबियात आती थी मशवरे लेकर कभी कभी कि हमको फ़लाँ ने निकाह का पैगाम दिया, हमको फ़लाँ ने दिया, फ़लाँ ने दिया है, हम किससे शादी करें? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो नहीं कहते थे कि किसी से भी शादी कर लो, होगी शादी उसी से जिसके साथ अल्लाह ने मुकद्दर करके रखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो लोग भी शादियां करते हैं, रिश्ते चुनते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से रिश्ते चुनते हैं, अपने इख्तियार से रिश्ते चुनते हैं, और हमारा इख्तियार क्या होगा, हमारी मर्ज़ी हमको कहाँ ले जाएगी अल्लाह ताला को मालूम है, अल्लाह ताला ने इसको लिख के रखा वो अलग चीज़ है, लेकिन वो जो भी फैसले हम करते हैं हमारी मर्जी से करते हैं। इसलिए ये कहना कि अल्लाह ताला ने पहले से जोड़ी बना दी है ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल बेबुनियाद बात है, और ऐसा ख्याल जहन में नहीं रखना चाहिए, बल्कि हर शख्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि उसका एक अच्छी जगह रिश्ता लगे। लड़का हो तो उसकी कोशिश होनी चाहिए कि अच्छी लड़की, दीनदार लड़की उसको मिले, और लड़की हो तो उसके वली की कोशिश होनी चाहिए कि उसकी शादी अच्छी जगह हो, दीनदार लड़के से हो। तो हमारी मर्ज़ी और हमारे इख्तियार का बहुत बड़ा दखल है, हमें अपनी सवाबदी से रिश्ता चुनना चाहिए।
और इस चीज पर भरोसा करके नहीं बैठ जाना चाहिए कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो, अल्लाह ने जहाँ लिखा होगा वहाँ शादी होगी, ये गलत बात है। हम शादियाँ अपनी मर्जी से करते हैं, अल्लाह ने जो लिखा है वो हमारी मर्जी के मुताबिक लिखा है। अल्लाह को मालूम था कि ये क्या फैसला करेगा, इसलिए अल्लाह तआला ने लिखा है। इसलिए नहीं इस बंदे से यही करवाना है, इसको हर हाल में इसी जगह रिश्ता होना है, इसलिए अल्लाह ने लिख दिया, बांध दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो खुलासा ये कि ये जो बात आवाम में मशहूर है कि जोड़े आसमान से बन के आते हैं, बेबुनियाद बात है। ना कुरान में ऐसी कोई बात है, ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ऐसी कोई बात, बल्कि कुरान और हदीस के नुसूस तो ये बतलाते हैं कि शादी का जोड़ा चुनने में हमारा फैसला होता है, हमारी मर्जी होती है। इसलिए तलाक की बात आती है, खुला की बात आती है, और ये सारी तालीमात अल्लाह ताला ने कुरान में देकर रखी है, हदीस में देकर रखी है। कुरान में तलाक की बहस है, सूरह तलाक है। अगर ये जोड़े अल्लाह ताला ने बना दिए, यानी अगर किसी की शादी किसी से हुई है, तो उसका ये माना लिया जाए कि अल्लाह ने ऐसा लिखा था और अल्लाह ने ये ऐसा फैसला किया है, अल्लाह का फैसला है, तो फिर उसमें तलाक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दरअसल ये गैरों की सोच है, इस्लामी सोच नहीं है कि जोड़े आसमान से बन जाते हैं, ऊपर वाला बनाते हैं। इसलिए देखें उनके यहाँ तलाक का भी सिस्टम नहीं होता कि शादी होगी अब जिंदगी भर उसी के साथ रहो, अब चाहे जैसे भी हादसा हों, जैसी भी आफत आ जाए, लड़की के साथ जो कुछ भी हो जाए, लड़के के साथ जो कुछ भी हो जाए, वो पागल हो जाए, कुछ भी हो जाए उसके साथ, उससे तुम अलग नहीं हो सकते क्योंकि ये जोड़ी ऊपर से बन के आई। ये गलत बात है, इस्लाम ने ऐसा नहीं कहा। इस्लाम ने तो बाकायदा तलाक का एक हल पेश किया है कि अगर शादी हो जाने के बाद भी दोनों को लगता है कि ये दोनों एक साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो वो अलग हो जाएं। शौहर फैसला कर सकता है अलग होने का तलाक के जरिए, और बीवी फैसला कर सकती है अलग होने के लिए खुला के जरिए। तलाक खुला ये दोनों अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, और इसके साथ साथ जो है तालीम भी है कि किस तरह से लड़का चुनना चाहिए। ये सारी चीज़ें इस बात की दलील हैं कि ये रिश्ते आसमान से बनकर नहीं आते हैं, बल्कि इस धरती पर बसने वाले इंसान ही चुनते हैं। बल्कि सही बुखारी की एक रवायत है कि मुगीस और बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा, इन दोनों की शादी हो चुकी थी। मुगीस गुलाम थे, बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा भी लौंडी थी, लेकिन अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनको ख़रीद के आज़ाद कर दिया। अब जब वो आज़ाद हो गई तो इस्लाम का कानून ये है कि अगर एक ग़ुलाम की और लौंडी की शादी करा दी जाए और बाद में इन दोनों में से कोई आज़ाद हो जाए तो वो उस रिश्ते को तोड़ सकता है। जैसे बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा आज़ाद हो गई तो जब ग़ुलाम थी तो उनकी मर्ज़ी नहीं चलती थी, शादी करा दी, वो क्या कर सकती थी, लेकिन अब आज़ाद हो गई तो अब उनको इख्तियार है अपनी मर्ज़ी से शादी करने का। वो चाहें तो उस रिश्ते पे बाकी रह सकती हैं और चाहें तो अलग हो सकती, अपनी मर्ज़ी से अपना रिश्ता चुन सकती हैं। तो बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फैसला किया कि अब मैं अपने शौहर मुगीस रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ नहीं रहूँगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुँची, और ये बात भी पहुँची कि मुगीस रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से। बल्कि सही बुखारी की रवायत है कि वो मदीना की गलियों में उनके पीछे पीछे चलते थे रोते हुए कि तुम मुझे मत छोड़ो और मेरे साथ रहो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तरस आया इस बात पे, और उन्होंने बुलवाया बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा को और कहा लौ राजअती, कि अच्छा होता अगर तुम मुगीस रज़ी अल्लाह अन्हा के पास लौट जाती, उन्हें अपना लेती। तो बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि अल्लाह के नबी तामरुनी, ये आपका हुक्म है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, ये मेरा हुक्म नहीं है, एक मशवरा है कि तुम उनके साथ रहो। तो उन्होंने कहा ला हाजत अलीफी, अगर ये आपका मशवरा है तो मुझे मुगीस की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अलग हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि इन दोनों का ये रिश्ता बरकरार रहे, अलग ना होने पाए, लेकिन बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना कानूनी और शरई हक इस्तेमाल किया, अलग हो गई। अल्लाह के नबी सब ने इस मौके पर नहीं कहा कि तुम दोनों की जोड़ी आसमान से बन के आई थी, क्यों तोड़ रहे हो, बिल्कुल नहीं। हालांकि आप चाहते थे कि रिश्ता बरकरार रहे, मशवरा भी दिया, लेकिन इसके बावजूद भी हुक्म नहीं दिया कि तुम ये रिश्ता मत तोड़ो। तो ये हदीस भी बताती है कि इस तसव्वुर की कोई गुंजाइश नहीं है, इस अकीदे की कोई गुंजाइश नहीं, इस ख्याल की कोई गुंजाइश नहीं है कि अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया है किसकी शादी किसके साथ होना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तकदीर में जो लिखा है उसकी वजह मैं आपके सामने कर चुका हूँ कि हमारे फैसले लिखे हुए हैं, हमारे इख्तियार लिखे हुए हैं, हम अपने इख्तियार से अपनी मर्जी से क्या करने वाले। अल्लाह को इल्म था, अल्लाह ने अपना इल्म और अपनी मालूमात लिखी है, और अल्लाह की मालूमात, अल्लाह का इल्म कभी गलत नहीं हो सकता। तो खुलासा ये कि रिश्ते का फैसला अल्लाह की तरफ से नहीं होता, हमारी तरफ से होता है। इसलिए हमें अपनी कोशिश करते रहना चाहिए अच्छे रिश्ते की तलाश में, और हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा।
ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, iPlus TV को जरूर डोनेट करें।